तो आज हम करेंगे पार्ट 4, ठीक है। ईडियम और फ्रेजेस की चल रही है सीरीज़, तो एक वीडियो में 25 ईडियम्स हैं, ठीक है। तो पहली ईडियम पर चलते हैं इस वीडियो की। मर्फी लॉ, मर्फी लॉ दैट मीन्स इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, तो मतलब कुछ मत करो, जो गलत होगा वो गलत होगा, तो दैट इज़ अ मर्फी लॉ। प्लेस इन द सन मतलब पोजिशन विच प्रोवाइड्स यू ऑल द सक्सेस और हैप्पीनेस। इन शॉर्ट प्लेस इन द सन मतलब यू आर इन अ हैप्पी प्लेस, ठीक है। स्मैश इट इजी है, वेरी सक्सेसफुल बोलता है। मिस द बोट, मिस द बोट मतलब अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। ऑन द पिग्स बैक मतलब आप काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, ठीक है। तो डूइंग रियली वेल, रियली वेल, लिविंग इजी लाइफ, ठीक है। ये करेक्शन है, डोंट वरी, PDF आपको प्रोवाइड होगी गनोस्टिक के टेलीग्राम चैनल पे। बीच में होगी या फिर जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, पर हो जाएगी। आगे चलते हैं। मेक और ब्रेक, तो मेक और ब्रेक ये भी इजी है, या तो सक्सेस या फेलियर। रैग्स टू रिचेस दैट मीन्स फ्रॉम पुअर, रैग मतलब पुअर, रिचेस मतलब रिचेस, तो फ्रॉम पुअर टू रिचेस, पुअर टू वेरी रिच। लैंडस्लाइड विक्ट्री, एक तरफी जीत, जैसे कोई अकेला भाग रहा हो रेस में, ठीक है। ओवरवेलमिंग, देखो ओवरवेलमिंग बहुत ही डिफिकल्ट, इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको समझ लो। वैसे हमने 5000 प्लस सीरीज़ में उसकी पूरी प्लेलिस्ट रेडी है, ठीक है, उसमें आप रेफ़र कर सकते हो अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एनीवे वर्ड पे आते हैं। ओवरवेलमिंग मतलब होता है ऐसा एक्सपीरियंस जिसको आपको पता नहीं कैसे उसे हैंडल करो, तो इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, आपको पता ही नहीं, आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है उसे हैंडल करना, ठीक है। सपोज़ आप एक दिन उठे, और ये एग्ज़ाम्पल मैंने पहले भी दिया है, वो कैब में दिया है, और एकदम से आप घर से बाहर निकले, ठीक है, और सभी ने आपको घेर लिया, अरे सर आप तो स्टार हो गए हो, ये हो गए हो, या मैम आप तो स्टार हो गए हो, तो आपको समझ नहीं आएगा वो फीलिंग, ठीक है, वो न्यू फीलिंग होगी। एनी वाके चलते हैं। लेट स्लिप थ्रू फिंगर्स, हाथ से निकल जाना, फेल टू कैच देम, जैसे कोई सैंड लेता है बीच, सैंड मुट्ठी बंद करोगे तो वो फिसल जाएगी, जस्ट एन एग्जाम्पल। लिव ऑन द ब्रेड लाइन, ठीक है, मतलब थोड़े से ही काम चलाना, दैट मीन्स हैविंग लेस मनी और लेस इनकम। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब यूज़ एनी कंसीवेबल मेथड, कोई भी तरीका आजमाना, कोई भी हथकंडा आजमाना। शाम दाम दंड भेद, ठीक है। गिव इन दैट मीन्स ईल्ड, ईल्ड के दो मतलब होते हैं, पहला होता है गिव इन, सरेंडर कर देना, हार मान जाना, झुक जाना। दूसरा होता है प्रोडक्शन, राइट। आगे चलते, तो यहाँ पे कौन सा है, पहला वाला है, सरेंडर वाला है, गिव इन। चीक बाय जॉल, वेरी नियर, ठीक है। गेट वंस ओन बैक दैट मीन्स रिवेंज लेना, रिटेलिएट करना, ठीक है। एक थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल नहीं करना है, जम के देना है, ठीक है, तो ये इसका फ्रेज का मतलब है, ठीक है। तो कोई ईंट फेंक रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो आपने ईंट फेंक दी, तो गेट वंस पोजीशन बैक लड़के, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट देख लो, इसलिए तीन मतलब दिए, जो भी आपको फिट लगे। रिवाइज करना, रिपीट करना, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, रटना बिल्कुल मत। टू स्टेयर क्लियर ऑफ दैट मीन्स अवॉइड, ठीक है। टू बीट अ रिट्रीट दैट मीन्स भगना, टू रन अवे, ठीक है, प्रॉब्लम से। रन रायट, जो अभी बांग्लादेश में हो रहा है, लूट खसूट मच रही है। वायलेंट एंड एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेन, ठीक है, और किसी को पता है द मीनिंग ऑफ रजाकार्स, तो डू शेयर, ठीक है।
एनीवे आगे चलते हैं। उसी के कारण से जो राइट है वो चल रही है अलोंग विद, तो जनवरी में इलेक्शन हुए थे, लेट लेट या फॉर्मल बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी के, तो वो प्रॉपर नहीं हुए थे। एनीवे आगे चलते हैं। तो हम कहाँ थे, रन रायट वायलेंट और एक्टेड विदाउट रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब कोई लगाम नहीं है, कोई रोक नहीं है, ठीक है, वायलेंट विदाउट रिस्ट्रेन, राइट, क्योंकि वहाँ की आर्मी ने रिफ्यूज़ कर दिया है कोऑपरेट करने में, कंट्रोल करने में मॉब को। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हो, रन राइट, राइट। टू ब्लेज अ ट्रेल दैट मीन्स पायनियर, पायनियर का मतलब होता है, देखो अगेन 5000 प्लस वो कैप सीरीज देखियो तो पता होगा। सपोज आप हो ए, आप हो दूसरा है बी, आपने पहले बनाया, पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाया मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन का कॉन्सेप्ट, आप लेके आए हो, ठीक है, तो आप क्या हो, यू आर अ पायनियर इन दिस, इन दैट फील्ड, ठीक है, कोई लेके आ गया है व्हील ऑन होम या होम ऑन व्हील, घर को आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आप लेके आए हो, तो दैट इज़ अ पायनियर। सिमिलरली ड्रोन कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती है, ठीक है, चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो टू ब्लेज अ टेल मतलब पायनियर, ट्रेल, टेल नहीं है ट्रेल, डन फॉर, डन फॉर मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, डन फॉर, ऑन द लेवल, ठीक है, दोबारा देख लो, सिचुएशन सो बैड इम्पॉसिबल टू गेट आउट, ऑन द लेवल मतलब ऑनेस्ट सिंसियर ट्रुथफुल, राइट, ऑन द लेवल, गो विद द विंड, जैसे हवा गायब हो जाती है, दैट मीन्स वैनिश हो जाना, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया कैसे भूल सकते हैं हम, टेक टू वंस हील्स दैट मीन्स टू रन ऑफ, भाग जाना, लीप्स एंड बाउंड रैपिडली लाइक अ फिनिक्स, किसी ने हैरी पॉटर देखी हो तो, राइज फ्रॉम एशेज उसे कहते हैं फिनिक्स, ठीक है, दैट मीन्स आप मर के वापस जिंदा आए हो, ठीक है, अलाइव फ्रॉम डेड रिटर्न या बाउंस बैक, ठीक है, तो आगे चलते हैं, कठिनाइयों से जब वापस आते हैं तो उसे भी कह सकते हैं यू लाइक राइज लाइक अ फिनिक्स। सोर पॉइंट मतलब होता है जो कि आपको दुख दे, दर्द दे और एम्बेरसमेंट दे, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।